नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्राइम अटैच न्यूज में। मैं हूं आपके साथ गिरीश कुमार, आप देख रहे हैं क्राइम अटैच न्यूज। चलिए दोस्तों, खबरों के सफर को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और बात करते हैं दिल्ली के छतरपुर क्षेत्र की। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के छतरपुर क्षेत्र में महापंचायत को बुलाया गया। किस लिए इस महापंचायत को बुलाया गया और क्या इसका मकसद था, चलिए नजर डालते हैं इस खबर की ओर। मैं रोहित भारद्वाज, RW हरगोविंद एन्क्लेव से, कन्वीनर दिल्ली अनऑथराइज कॉलोनी एंड विलेज एसोसिएशन। भैया, जो ये महापंचायत हो रही है, किस लिए हो रही है, थोड़ा इसके बारे में। ये महापंचायत जो हो रही है, ये जो छतरपुर क्षेत्र है पूरा, जो ग्रीनरी के लिए प्रसिद्ध है, जिसके विषय में लगातार पूरे देश में बात होती रही हरित क्रांति, उसको नुकसान पहुंचाने का जो 7.5 एकड़ अलॉट करी है DDA ने MCD को, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का नाम दिया है, वो नाम चेंज कर दिया है, खत्ता ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। इसकी हमने पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही ये आज पंचायत रखी और ये पंचायत एक जन जागरण, एक जागरूकता का काम करेगी और हरेक से हम आज यहाँ संकल्प दे के भेजेंगे कि कुछ भी हो जाए, यहाँ पर ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ना बने। क्योंकि एक तरफ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी आ रही है, सार्क यूनिवर्सिटी, जो 10 देशों का प्रतिनिधित्व भारत करेगा, वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने के लिए आएंगे। दूसरा, जो पिछले 30 सालों से इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी मैदानगढ़ी गांव, इसी गांव में स्थित है, जिसी गांव के रेवेन्यू में सॉलिड वेस्ट लाया जा रहा है। साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेज का हॉस्पिटल, ये अनेक जगह है, बिल्कुल। कितने गाँव इससे प्रभावित हो रहे हैं? इससे तकरीबन 1.5 से 2 लाख की आबादी प्रभावित हो रही है। कितने गाँव आ जाते होंगे इसमें? 10 से 12 गाँव इसकी चपेट में आ रहे हैं। रोहित जी, एक तरफ देखा जाए तो दिल्ली सरकार भी कहती है कि पर्यावरण के ऊपर ध्यान देना चाहिए और केंद्र सरकार भी ध्यान देती है, क्या लगता है कि यहाँ पर उस तरीके का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है आप लोग? उस तरीके का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा, और जबकि जहाँ आप खड़े हैं इससे 100 मीटर की दूरी पर असोला वाइल्ड सेंचुरी की बाउंड्री है। असोला वाइल्ड सेंचुरी एक ऐसा हरित क्षेत्र है पूरी दिल्ली में, इससे बड़ा कोई हरित क्षेत्र पूरी दिल्ली में नहीं है। तब आपका संघर्ष कब तक चलेगा? हमारा संघर्ष जब तक चलेगा जब तक निस्तारण का लिखित में हमारे पास नहीं आ जाता, जब तक इस जो लैंडफिल रोको संघर्ष समिति बनी है, इसका संघर्ष जब तक जारी रहेगा जब तक कि हमें निस्तारण के रिटर्न में ऑर्डर प्राप्त नहीं हो जाते। आगे आप लोग क्या करेंगे इस पंचायत के बाद? आगे कल से हमारी लिटरेचर शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जो हमारा ज्ञापन है वो माननीय उपराज्यपाल दिल्ली को जाएगा। अच्छा, आप लोग महापौर जी मिलकर आए, क्या रिजल्ट निकला? महापौर जी से मिलकर आए, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि भाई किसी भी तरीके से वो यहाँ पर 10 से 12 दिन में अपना एक दौरा रख रहे हैं, जिस दौरे में पूरी संघर्ष समिति उनके साथ रहेगी कि इसका और अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। कि यहाँ पे एक तरफ सरकारी स्कूल है जिसमें तकरीबन 2000 बच्चों की संख्या पड़ती है, और इसी के बिल्कुल 200 मीटर की दूरी पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आ रहा है, जिसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। नहीं, कूड़ा घर ओपन बनेगा तो हम सभी लोगों को प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कितने पिक्स वगैरह ऐसे घूमते हैं, तो कूड़ा लेके जो है रोड पे आ रहे हैं, तो इससे सभी को प्रॉब्लम है। कई बार जिनके घर ये नियरली है यहाँ पे, तो आप देखोगे पिक वगैरह कूड़ा के कोई भी है, क्योंकि बच्चे को उन चीजों के बारे में पता नहीं है। बच्चे प्ले कर रहे हैं, उनको पता नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार होंगे, कूड़ादान हो, मतलब इस तरीके का हो कि उसमें कोई एक इंसान मतलब उसमें रहे और उसको हर दिन उसको साफ करे, क्लीन करे। जैसे गवर्नमेंट प्लानिंग में भी हमने देखा है कि कूड़ेदान वगैरह होते हैं, बट इस तरीके से होते हैं कि उन्हें प्रॉपर ढका जाता है। चाहते हैं कि यहां से हटे? नहीं, मेरा तो इस चीज में अभी कोई वो नहीं। कितनी दिक्कत होगी अगर इस तरीके से? सर, अगर कूड़ादान यहाँ पे फैल गया, सबसे पहली चीज तो होगी कि बीमारियों का घर हो जाएगा। एक तरीके से जब बारिश आएगी, हवा चलेगी, तो जितने भी कूड़ा है वो उड़ उड़ के यहाँ के लोकल स्थानीय लोगों के पास जाएगा। खाने पानी की चीज पे जो मक्खियां वगैरह बैठेंगी उससे भी बहुत दिक्कत होगी। बरसात का मौसम आएगा तो डेंगू फैलेगा, और जितनी भी सांस लेने की बूढ़े बुजुर्गों को दिक्कत होती है, हमारे छोटे बच्चों को होती है, उनको बहुत ज्यादा भविष्य में कठिनाई होगी। स्कूल के छोटे बच्चे निकलते हैं, वो कूड़ा सारा क्लासरूम्स में जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने गाजीपुर या और लैंडफिल्स देखे हैं दिल्ली में, उनका बहुत बुरा हाल है। तो आने वाले समय में ये जो आसपास का ग्रामीण इलाका है, यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी।